जो शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। संग जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आपको पहले भी कहा, फिर कहते हैं, पनात्री पड़ेगी। जो माघ महीने में शिवरात्रि पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्रि, ये शिवरात्रि 19 वर्ष के दो बार गेप करने के बाद 183 वर्ष के बाद आएगा, और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्रि प्राप्त होगी। और 183 वर्ष किसने देखे, कौन ने देखे। और निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने दो। काली शिवरात्रि को आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें, जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए, वो समर्पण का भाव। और शिवरात्रि आने में देरी है और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर, मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से, जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज, ये अश्विन का जो अधिक मास है, 183 वर्ष के बाद वापिस आएगा योग। ये योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में, पर अब मिलेगा 183 वर्ष। एक किनी माता जी का एक प्रश्न था, वो ध्यान में नहीं आ रहा है, वो कहां से थी कि उन्होंने एक प्रश्न किया था, व्हाट्सएप पर लिखा हुआ आया था कि उनके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजुर्ग है, लगभग 90-95 साल की हैं और शरीर गल गया, शरीर में अब कीड़े पड़ रहे हैं। सिस्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तब उनको साफ करते हैं, शरीर इतना गल चुका, उसके लिए क्या करना चाहिए। एक निवेदन करूंगा, एक भगोनी में गेहूं रख लीजिए, एक पात्र में गेहूं, जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, आपने एकादशी दे दी, गीता जी करवा दी, पाठ करवा दिया, गौदान करवा दिया, मोक्ष करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीधे हाथ की 3 उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए। पात्र
किसी गरीबड़े को भिक्षुक को दे दीजिए महाराज, 3 या 4 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतनी अगर भोग रही हैं तो कर सकती है, इतना कष्ट अगर भोग रही हैं कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी मुक्ति हो, उनका मोक्ष हो। आज माता जी कह रही थी कि हमने गीता जी सुना दी, पाठ कर दिया, सब कुछ कर दिया, गौदान करा दिया, सब करा दिया, पर मुक्ति नहीं। शिव का हो, शंकर को, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते, आदत है ना हमारी। दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का, इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं, गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे का, पानी चढ़ा दिया बस। और इतनी सातिवत्वान सिर्फ पल्लू मल्लू रे कि ऐसे पानी चढ़ाए, शंकर भगवान भी सोचे काय को नौटंकी करे रे, काय को नाटक करे, पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा, और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है, तो 1 रुपये लोटे का किराया और 1 रुपये जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तू शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता है। किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुंकू चावल रोली बोली सब चढ़ा दो और बिचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहां सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो, घर से पानी लेकर जाओ। कल कोदवाली चौराहे से, हमारे सीहोर के कोदवाली चौराहे से कोई बहन जी आई थी 33 मालपुआ लेके, कहे गुरुजी संकल्प करा दो। हमने कहा पानी लाओ, तो कि तुम्हारे यहां नहीं है? हमने कहा हमारे यहां तो कुआं है। लिया चावल लाओ, तो कि गुरुजी पूजन मंडप में होंगे ना चावल जरा सा। हमने कहा वापिस घर जाओ, निकलो। कितनी बार भागवत सुनी, राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान खड़े हैं, राजा बलि वामन भगवान से कहता है प्रभु आपके एक हाथ में छत्र है दूसरे हाथ में कमंडल है, तो राजा बलि कहता है आपके कमंडल का जल दे दो मैं संकल्प छोड़ देता हूं। वामन भगवान कहते हैं राजन अगर मेरे कमंडल का जल लेकर तू संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प मान्य नहीं होगा, तुझे स्वीकृत नहीं होगा। किसी की लगी लगाई थाली में से कुंकू चावल चढ़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या? अरे बोलो तो, विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकाल कर उसके दिए में रख कर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है खुद का दिया, खुद की बाती, खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए 7 दिए 11 दिए तुम रखता रहो तो जलाओ, दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कराना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं है हमारा।
खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहाँ तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं, राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। राजा बलि अंदर गया, जाकर भी उसने कर्म बेकार कर दिया। राजा बलि ने क्या कमंडल लाना था खुद का, उठा लाया शुक्राचार्य जी का, शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर लाया, इसलिए शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखते रहे, जल बाहर नहीं निकलने दिया शुक्राचार्य जी ने कि मेरे कमंडल का जल कैसे निकल जाए भला, फिर भी राजा नहीं माना। तब एक कुसा खींचकर उसकी टोंटी में दी तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि तू जान नहीं पाया मेरे कमंडल का जल लेकर गया और मेरी आंख फूटी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सत्ता से विहीन हो जाएगा। राजा बलि की पूरी सत्ता चली गई, पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चली गई। तो आप अगर दान करने जा रहे हो, आप कन्या दान करने जा रहे हो, आप गऊ दान करने जा रहे हो, आप वस्त्र दान करने जा रहे हो, आप मालपुए का दान करने जा रहे हो, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो, तो जल चावल आपका होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं। इसलिए नैमिषारण्य में जो 108 शिव महापुराण की पोथी बिठाई तो वहां जो संकल्प छूटा आपके घरों में छुड़वाया, घर के अंदर। और 15 अक्टूबर को जो शिवरात्रि का उत्सव, रात्रि को 9:20 से 10:20 पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे, उसका संकल्प आप अपने घर में बैठकर छोड़ना, यहां नहीं अपने घर में। और अगर कोई यहां आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो। अपना संकल्प अपना होना चाहिए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है, मिलता है। फिर भले 4 घंटे तक तुम ढोलक बजा बजा के गाओ, तांबा का हंडा में तातो धरा पानी और नींद आए भोला नवा के रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। शंकर भगवान जी बोले पूरी रात गाए तो भी नहीं आऊं मैं, तो जा गाय को है भोला ना। शिव को मनाना के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को मनाने के लिए बहुत साधना करने की भी जरूरत नहीं है। शंकर तो कहते हैं 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो, उतने में भी राजी हूं। पानी नी भी चढ़ाए चलेगा, ताली नी भी बजाए चलेगा, बम बम नी भी बोला चलेगा। शंकर का शिव महापुराण की कथा कहती है, इतना भी ना बने तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जा, उतने में भी कल्याण कर दूंगा। ये भी ना बने तो मेरे मंदिर का शिखर देख ले, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन कर लेने पर भी मैं तेरे पाप छिन्न कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं, तेरी जिंदगी खुशियों से भर। शिव करें उतने में भी संतुष्टि है। उतने में भी संतुष्टि। शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला है। दुख अगर मालूम पड़े प्रारब्ध के कारण, कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा है तो वो समाप्त होगा, वो मिटेगा। और बाबा से कहते रहना ना, भोला सब दुख काटो मारा, बाबा बस कृपा कर कर मेरे दुखों को काटिए। बाबा बोले शिव उस बुजुर्ग से कहते हैं, तुम्हें कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। बाबा ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है? शंकर कहते हैं पूर्व में जो कर कर आए हो उसके अनुसार फल मिलता है। अभी 2 दिन पहले की कथा याद करो, कथा में कहा था खूब भगवान ने धन दे दिया, जिसके घर में 10-10 नौकर लगे हैं और घर का मालिक इतना चड्डा पहनकर टी शर्ट पहनकर कुत्ते को छींछी करा रहा है। कथा में कहा था कि नहीं कहा था? तो किसी ने प्रश्न किया था, गुरुदेव इनके घर में 10-10 नौकर लगे, इनके घर के बच्चों को तो नौकरानियां पाल रही, दासियां पाल रही, और सेठ जी अच्छा चड्डा पहन के टी शर्ट पहन के कुत्ते को छींछी करा रहा, तो ये कहीं लिखा? अरे गरुण पुराण उठाकर देखो ना, ये भी कर्म का भोग है,
कि तेरे घर में 10 नौकर काम कर रहे हैं और कुत्ते को छींची मॉर्निंग वॉक में तू करा रहा। तुमने भी देखा होगा रे, जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हैं, सही बताओ ईमानदारी से, अपनी अपनी स्वीकृति भेजना हो व्हाट्सएप पे जरूर, देखा होगा कि नहीं। देखो सुबह सुबह लोग कुत्ता इतनी शान से घुमाए, कुत्ता इनंग जाए तो वो इन, कुत्ता उधर जाए तो वो उधर। हमें ये समझ में नहीं आया कि ये कुत्ते को घुमा रहा है कि कुत्ता इसे घुमा रहा है, वो इधर जाए उधर, उधर जाए उधर, उधर कहां कर। इसलिए निवेदन मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना पड़सी पड़ेगा, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। इसलिए निवेदन है खूब बढ़िया चकाचक खाओ पियो मौज करो, जिंदगी अलमस्त जियो। कितनी भी जिंदगी में दुख आए रोना नहीं, सुखी रहना, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आखिरी में जो फोटो टंगेगा वो तो मुस्कुराने वाला ही टंगेगा। तुम भले जिंदगी रोके निकालो, फोटो में तो तुम स्माइल देते ही मिलोगे, माला टंगी रहेगी मुस्कुराते। जित्तो के घर भी जाके देखोगे तो मुस्कुराता हुआ फोटो मिलना है, रोता हुआ किसी का नहीं मिलेगा। भले जिंदगी कितनी भी रोके निकालो, चित्त वृत्ति को लगाओ भजन में, कीर्तन में, स्मरण में। जितना समय गया जाने दो, जो बचा उसको शंकर में लगा दो, शिव में लगा दो। महाराज कर्म का भोग भोगना है, गति प्रारब्ध की। दूसरी जो प्रारब्ध की गति है उसको कहा तीव्र प्रारब्ध। इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो, दुख आया है तो संत सतगुरु की शरण में जाकर कहो, दुख मिटेगा। तीसरा है तीव्रतम प्रारब्ध। इस प्रारब्ध में अगर बहुत ज्यादा दुख आ गया तो कुछ ना करिए, एक काम करो, एकांत में बैठकर शिव का स्मरण करिए, शंकर का भजन। बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुख में दधीची ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्थियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा, उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए, वहां शंकर भगवान प्रकट होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ, जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ। दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव। अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है, नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए पेशियां लगा लगा कर, एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करो, पूजन अर्चना कर दही 3 चम्मच नाम लेकर चढ़ाओ जिसके साथ केस चल रहा है, और 3 चम्मच दही चढ़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके छापे लगा लो, सफेद रुमाल पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर जल में विसर्जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो, अगली पेशी जब हो उसको साथ लेकर जाओ, केस जल्दी निपटेगा, विजय प्राप्त होगी। मात्र 300 बार करिए बटकेश्वर का स्मरण। उसी तरह पिपलेश्वर महादेव, कितने भी बड़ी जिंदगी में रोग हो, चाहे कैंसर जैसा हो, लीवर हो, किडनी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, भगवान पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन अर्चना करिए, उस पर शहद चढ़ाइए। पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये औषधि पूर्ण है महाराज।
डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस कराना जरूरी है, तो एक बार इस शिव महापुराण का उपाय जरूर करना डायलिसिस कराने से पहले। 5 छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना, शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण पीपल के पेड़ के नीचे करना, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर उसकी पूजन कर बेलपत्री 5 चढ़ाकर 5 पीपल के पत्ते 5 शमी के पत्ते शंकर पर चढ़ा देना, आरती पूजन करना, शमी का पत्ता बेलपत्र छोड़कर 5 पीपल के पत्ते उठा लेना। जिस व्यक्ति को डायलिसिस का बोला है उस व्यक्ति को 5 पत्ते पीस कर छान कर पिला देना। 3 दिन बाद फिर जाकर डॉक्टर को चेक करवाना, डॉक्टर डायलिसिस का मना कर देगा, लीवर किडनी अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। पीपल पिपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की औषधि जीवन का सुख दे जाती है। कोई पिपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराज, कितना विचित्र वर्णन है, प्रैक्टिकल जरूर करना। सीओर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, और व्हाट्सएप पे लिखकर भी भेजना करा की नहीं करा, क्योंकि शिव महापुराण की लेखनी है। वेदव्यास जी महाराज वर्णन करे, गलत नहीं कर सकते। किसी को बहुत खून निकल रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो गया, खून पर खून निकल रहा है, उसको अगर होश है और वो होश में है तो 5 पीपल के पत्ते किसी भी वृक्ष के तोड़कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो चबा चबा कर, उसी समय खून निकलना बंद हो जाएगा, रक्त बंद। पिपलेश्वर महादेव का मात्र स्मरण ही सुख दे जाता है, आनंद की अनुभूति करा देता है, मात्र पिपलेश्वर महादेव। बहुत बड़ा ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो उसके 15 दिन पहले पिपलेश्वर महादेव का पूजन कर अर्चना कर भगवान शिव का स्मरण कर पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाकर फिर ऑपरेशन के लिए जाओ, जिससे दूसरी बार ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। शरीर का जिसका ऑपरेशन है वो अच्छा हो जाए। श्रेष्ठ पिपलेश्वर महादेव।